इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो माथा है वो पीछे है और हेड जो है वो आगे है ये वाली जो टॉप है वो फ्रंट पे है अब यहाँ पे मसला ये आता है कि क्या अगर किसी का बच्चे का हेड हाई है तो क्या वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकती हो सकती कुछ लोगों का जो ड्रॉप है वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन यानी जिसमें आपका पेट टाइट होता है लेकिन आपको दर्द फील नहीं होती है जी अस्सलाम वालेकुम मैं हूं डॉक्टर नायला कंसल्टेंट गाइनिकॉलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट फाइनल सोल्यूशन के फॉरम से आज हमने बात करनी है आ, बच्चे का पैलविस में ड्रॉप होना नौवें महीने में नाइन्थ मंथ में अक्सर लोग कहते हैं कि जी आपका बच्चा पैलविस में ड्रॉप हो गया है जिसपे लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि जी बच्चा ड्रॉप हो गया है तो उसका मतलब मैं डिलीवरी का टाइम आने वाला है और अगर किसी का बच्चा ड्रॉप नहीं होता तो वो परेशान होता है कि किसका मतलब है मैं नॉर्मल डिलीवर नहीं कर सकूँगी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मेरी कहते हैं कि जी आपकी लोकेशन कहाँ पे है हम आपसे मिलना चाहते हैं तो गुलबर्ड मेडिकल कॉम्प्लेक्स अब मालम रोड के ऊपर है लाहौर में यहाँ पे मैं लोकेटेड हूँ स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं पीटीसीएल नंबर भी है और दूसरा भी है आप हमसे رابطہ कर सकते हैं और मैं अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जो बच्चे का पेल्विस में ड्रॉप होना होता है वो बेसिकली नौवें महीने के मिडिल या स्टार्ट में होता है अब इसमें होता यह है कि अगर आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन है जो कि हमारी जुबान में ऑक्सीपिटो एंटीरियर होती है यानी कि जो बच्चे का ये माथा है ये पीछे की तरफ होता है और ये जो ऑक्सीपिट है वो आगे की तरफ होती है अगर ये माँ का पैलवस है तो बच्चा इस तरह से एंटर हो रहा होता है उसके अंदर तो इसका मतलब ये है कि बच्चे का जो माथा है वो पीछे है और हेड जो है वो आगे है ये वाली जो टॉप है वो फ्रंट पे है ये नॉर्मल पोजीशन है अगर इस पोजीशन के अंदर बच्चा माँ के पैलवस में एंटर हो रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे की पोजीशन बिल्कुल ठीक है और बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम इंगेज होता होता पैलवस के अंदर आ, सेटल हो जाता है और इसकी पहली निशानी होती है लाइटनिंग लाइटनिंग का मतलब ये होता है कि माँ का पेट जो उसको ऊपर से बहुत भारी फील हो रहा होता है वो एकदम से उसको लाइट फील होने लग जाता है यानी ऐसे लगता है जैसे उम्मीदें के ऊपर अब थोड़ी सी स्पेस बढ़ गई है पहला, दूसरा पेल्विक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी कि आपको जो पहले चलने फिरने में दिक्कत कम हो रही थी अब नीचे की तरफ जकड़ाव या प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है डिस्चार्ज बाजूकत जिसमें कोई स्मेल नहीं होती कोई खारिश नहीं होती वो इंक्रीज़ हो जाता है हाइट के प्रेशर की वजह से म्यूकस का जो प्लग होता है वो भी रिलीज़ हो जाता है और पीरियड्स की तरह की जो पेन होती है वो हल्की हल्की आपको फील होना शुरू हो जाती है ये कुछ ऐसी सिम्टम्स होती हैं जिससे जिससे कि अंदाजा हो जाता है कि आपका बेबी पेल्वस के अंदर फॉल कर गया है या सेट हो गया है अब यहाँ पे मसला ये आता है कि क्या अगर किसी का बच्चे का हेड हाई है तो क्या वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकती हो सकती है कुछ लोगों का जो ड्रॉप है वो ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन यानी जिसमें आपका पेट टाइट होता है लेकिन आपको दर्द फील नहीं होती है उसी प्रेशर के साथ फ कर जाता है लेकिन अगर आपका उन ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के साथ फॉल नहीं किया तो मे बी दर्दों में आपका जो लेबर है वो आ, बच्चे का हेड है वो सेट हो जाएगा लेकिन अगर आपके बच्चे का हेड हाई है तो इसका ये चांस जरूर है कि आपका लेबर लंबा होने वाला है जिसमें पहले हेड सेटल्ड होगा और सर्विक्स के ऊपर वेल अप्लाइड होगा और उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर किसी का हेड हाई है तो वो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकती लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि देर आर चांसेस कि उसका लेबर एक ऐसे पेशेंट जिसका हेड वेल इंगेज है वेल well ड्रॉप्ड है उसकी नस्बत लंबा होगा लेकिन ये नहीं कह सकते कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है अगर आप का फर्स्ट बेबी और आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना चाहते हैं तो आपने अपनी फ़िज़िकल रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छी रखनी है डे वन से अपनी फ़िज़िकल रूटीन बहुत अच्छी रखनी है एंटिल अनालस आप में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है और अगर आपका जो हमने नॉर्मल डिलीवरी की ट्राई करनी होती है और मैक्सिमम ट्राई करनी होती है और आपके सर पे रह के ट्राई करनी होती है अच्छा डॉक्टर वो होता है जो आपके बच्चे को नॉर्मल डिलने की ट्राई करता है लेकिन वो माँ या बच्चे की सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता खुदा न खास्ता जैसे पहले ज़माने में दाइयाँ होती थी दे डोंट गारंटी यू अल्दी बेबी वो ये आपको गारंटी नहीं देते हैं नहीं कि वो बच्चा हेल्दी पैदा होगा वो कहते हैं बच्चा नॉर्मल होगा हेल्दी की कोई गारंटी नहीं है तो बेसिकली जब आप किसी मेडिकल सेटअप में जाते हैं तो उसमें आपका डॉक्टर इतना वेल अवेयर होना चाहिए जो आपको डिलीवरी के बाद एक ऐसे बच्चे की गारंटी दे जो ज़िंदा हो और वो प्रॉपर से रोए और वो अपने माइल्ड स्टोन आगे जाके पूरे अचीव करे या ये ना हो गया उसका दर्दों में सांस बंद होता रहा और उसका दिमाग का आधा हिस्सा जो है वो ज़ाया ही हो चुका हो डिलीवरी के टाइम पर तो हमने हेल्दी बेबी को मेक श्योर करना होता है और हेल्दी माँ को मेक श्योर करना होता है और नॉर्मल डिलीवरी को मेक श्योर करना होता है इन दैट केस कि जब वो बच्चे या माँ की आ, किसी भी किस्म में रिस्क में डाले बगैर तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका ये सवाल का आंसर हो गया होगा कि बच्चे का जो हेड है पैलवस है वो किस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ड्रॉप हो गया है या नहीं होगा मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ